रूप दिखाया है। ये बात उस मौके की है जब रावण सीता जी को हर के ले जाता है, लक्ष्मण के शक्ति बाण लग जाता है, यानी सारी घटनाएं जब घट चुकी होती हैं, उसके बाद में माँ अंजना हनुमान जी को उल्हाड़ा देती है और कहती है, हनुमत से बोली माता क्यों मुझको रूप दिखाया है। हनुमत से बोली माता क्यों मुझको रूप दिखाया है। मेरा लाल नहीं हो सकता, मैंने दूध पिलाया है। हनुमत से बोली माता क्यों मुझको रूप दिखाया है। भेजा था क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि मैंने लंका जलाई है, माता जी ऐसा कैसे करी हो। तो इसके जवाब में मांजना कहती है, छोटी सी एक लंका जला के अपने मन में गर्भाया। तो हनुमान जी बोले कि माँ ऐसा कैसे करी हो, मैंने रावण की लंका को जलाया। तो इस बात पर माँ अंजनी क्या कहती है, छोटी सी छोटी सी एक लंका जला के अपने मन में गर्भाया। रावण को जिंदा छोड़ा और सीता साथ नहीं लाया। मकसीस कभी ना उठेगा ऐसा दाग लगाया है। हनुमत से बोली माता क्यों मुझको रूप दिखाया है। फिर बांजना ने कहा कि मेरे दूध में कितनी बड़ी ताकत है और तुमने आज क्या कर दिया, कुछ भी नहीं कर पाया तुम। तो दूध की ताकत क्या बताई, मैंने ऐसा दूध पिलाया तुझको क्या बतलाऊं मैं। धार अगर जो मारूं मैं तो पर्वत के टुकड़े कर दूं। मेरी कुख से जन्म लिया और मेरा ही दूध लजाया है। हनुमत से बोली माता जो मुझको रूप दिखाया है। तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया, हाथ जोड़ के हनुमत बोले इसमें दोष नहीं मेरा। श्री राम का हुक्म नहीं था, माँ विश्वास करो मेरा। मैंने वो ही किया है जो श्री राम ने मुझसे कराया है। हनुमत से बोली माता जो मुझको रूप दिखाया है। जब माँ अंजना का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो भगवान श्री राम खुद वहां प्रकट हुए और उन्होंने प्रमाण दिया कि हे अंजनी माँ, मेरा ही आदेश था, तभी हनुमान जी ने वहां जाके कुछ नहीं किया। जितना मैंने आदेश दिया उतना ही किया, ये सारी मेरी लीला है
आप खाम का ही गुस्सा कर रही हो। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, अंजनी माँ का क्रोध देख कर प्रकट हुए मेरे भगवन, हाथ जोड़ के नमन किया प्रभु, तब देवी ने किया आगमन। बनवारी ना सोच करो प्रभु, ये सब मेरी माया है। मेरा लाल नहीं हो सकता, मेरा लाल नहीं हो सकता, मैंने दूध पिलाया है। हनुमत से बोली माता जो मुझको रूप दिखाया है।